जी यस, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक बड़ी अच्छी शानदार जगह पर बैठा हूँ और अपने मेहमान खसूसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में कहीं गुम हो गए हैं या कहीं रह गए हैं, तो बहरहाल आप इनसे मिलेंगे तो जानी पहचानी शख्सियत हैं। तो अभी तक नहीं पहुँचे, मैं चाय भी आ गई, मैं भी इधर बैठा हूँ इंतज़ार में हैं, देखें अभी कब तक पहुँचते हैं, फिर आपके इनसे मैं मुलाकात करवाता हूँ। बड़ी मुश्किल से उनसे टाइम दिया, इतनी मसरूफ़ शख्सियत हैं कि मैं आपको बस क्या बताऊँ, बट जितनी मसरूफ़ हैं उससे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हैं। पहली कॉल पे ही टाइम मिल गया तो आज मैं उनके घर पे हूँ उनके साथ, तो अभी देखें कब तक पहुँचते हैं, इंतज़ार करते हैं, शायद आ जाएं, जल्दी आ जाएं, तो लेट्स सी। अरे अस्सलाम वालेकुम, नहीं कल आया, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, मुझे माइक लगाने दें, ये तो आपने अचानक बिजली की तरह खड़के हैं आप जी। जनाब जनाब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी फर्स्ट क्लास। देखिए सर, आपके लिए चाय, सर मजा आ गया, समोसे, पता नहीं आपके कैमरा में आएगा नहीं आएगा, लेकिन दिखा देते हैं यार, देखो मेहमान नवाजी है। किसी को देखकर भूख लग जाए तो हमारी तरफ से पेश भी माजरा। Anyway. मैं अपने दोस्तों से अक्सर कहता हूँ आप फेसबुक पे ना खाने पीने की तस्वीरें ना लगाया करें। अच्छा। कोई पता नहीं होता देखने वाला किस हाल में बैठा हूँ जी। हाँ ये भी, हाँ। ये भी है, और जिनको रोजमर्रा की अशिया मिलने में दुश्वारी होती है, तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबकी मुश्किलें आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, अभी हमारी इंडस्ट्री के लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री के बड़े भाईजान हैं, या दूसरे लफ्जों में बड़े भाईजान, तो आज मैं इनके घर पे इनकी मेज़बानी में इनके साथ हाजिर हूँ, आपके लिए आया हूँ ताकि इनसे जो विजडम है लाइफ की, आजकल बहुत ज़्यादा रुझान है मोटिवेशनल स्पीकिंग का, हर आदमी दूसरे को गाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो इस गाइडेंस में हमारा जो आप कह लीजिए विरासती विजडम है, कल्चरल विजडम है, जो लोग इस प्रोसेस से गुजर के किसी मुकाम तक पहुँचे हैं और जिनका तो जेन्युइनली हक बनता है कि वो खड़े होकर बताएं कि लाइफ क्या है, इसलिए फिर मैंने जहन में काफ़ी अच्छे से काम है कि मैं आपसे बात करके आपसे रहा करके, तो अपने हिस्से की विजडम जो अल्लाह ने आपको अता की है अमानत है, वो आपसे लूँ और इस इंटरव्यू के ज़रिए वो जिस जिस के नसीब में आने वाली है वो इस इंटरव्यू के ज़रिए पहुँच जाए, तो ये भी एक समझ लें अल्लाह पाक की तरफ से, अल्लाह ताला एक आदमी को कहते हैं ना गन्ने की मशीन में से गुजारता है और उसके रस से लोगों की प्यास बुझाता है। वाह क्या तस्वीर दी है आपने। तो वो जो आप गन्ने की मशीन से गुजरे हुए हैं उसका जो रस तैयार है वो मैं चाहता हूँ उसमें से आज मुझे भी कुछ अपना हिस्सा मिले, कुछ देखने वालों को भी मिले। तो मैं और कामरान भाई से डिस्कस कर रहे थे कि हम किस मौजू पर बात करें, तो डिस्कशन करते करते हमारा यहाँ पर आके कामरान भाई ने भी एडवाइस किया, मेरा भी वही पॉइंट भी था कि लाइफ को एज ए टोटैलिटी डिस्कस करते हैं, कि हम लाइफ में मुख्तलिफ स्किल्स की डेवलपमेंट पे बात करते हैं और स्किल लाइफ का जूज ही होता है छोटा सा, मगर सारे जुज़ों को मिला लें तो एक कुल भी तश्कील पाता है। कुल्लियत पे कभी किसी की नज़र नहीं गई, लोग जुज में गुम होके कुल्लियत ख़राब कर जाते हैं, तो इसलिए कामरान भाई ने कहा कि जी के ज़िंदगी की तामीर कैसे करनी है, ज़िंदगी को डेवलप कैसे करना है, तो इस मौजू पे उससे बेहतर कोई आदमी बात नहीं कर सकता जो ज़िंदगी के जुज़ों से निकल निकल के इसको एक कहते ना वो जो तस्वीरें नहीं होते छोटे छोटे बिखरी होती हैं तो उनके अज्जा जोड़ के आप एक तस्वीर मुकम्मल करते हैं। जी जी। तो आपने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अज्जा को जोड़ के जो तस्वीर मुकम्मल की उसके हवाले से मैंने सोचा था आपसे आज गुफ्तगू की जाए। बहुत खूब। तो सारा आज का शो आपके नाम पे, आप बोलेंगे और मैं उतने में अब चाय और बिस्कुट खाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिंदगी का जो जायका है वो मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है, खट्टा भी होता है, नमकीन भी होता है, और ये जायके जो है ये अगर आप जज्बात से इनको तशबीह दें तो हर किस्म की कैफियत से हर शख्स गुजर रहा होता है। इसका ज़रूरी नहीं है कि वो किस ओहदे पे फायज है या उसने कितनी दौलत कमाई है, लेकिन गम सब कुछ होता है, खुशी भी सब कुछ होती है, और ये सारे जो कैफियत हैं इनको इनका मजमूआ ज़िंदगी है, और अगर हम एक चीज़ को लेके बैठ गए यानी बहुत खट्टा है बहुत कड़वा है, तो फिर इसका मतलब है कि हम मुकम्मल सच से महरूम हो रहे हैं। तो
ये बहुत अच्छा होता है कि हम तवाज़ुन कि जब भी बात करते हैं, और तवाज़ुन मेरे ख्याल से किसी भी अकीदे में आप जाए, दीनी हवाले से या नफ्सियाती हवाले से, तो आपको एक मुश्तरक ख्याल जरूर मिलेगा, वो है तवाज़ुन। म्याना रवि जिसको कहते हैं, म्याना रवि भी कह सकते हैं। और तवाज़ुन जो है वो असल में इकरार कर रहा है कि भाई हर चीज के बहुत से पहलू हैं, कड़वे भी और मीठे भी, नमकीन भी और यू नो खट्टे भी। तो ये जो एक तवाज़ुन है, इस तवाज़ुन को बरकरार करना जो है, दैट बरकरार रखना, ये मैं समझता हूँ आला जिंदगी है। और अगर हमें अच्छी जिंदगी बनानी है तो हमें शिकस्ता भी नहीं होना, और ना ही हमें जोश में आके भाई अब तो हो गया, क्योंकि अगर ये कैफियत आ गई कि बस अब तो जीत ही जीत है तो फिर आप हारेंगे। और अगर आप हार के भी कहते हैं नहीं, इसमें भी जीत के इम्कान बन सकते हैं, सीख सकते हैं, तो फिर आप जीत की तरफ जा सकते हैं। तो ये तवाज़ुन वाला पहलू जो है, मैं समझता हूँ एक मरकजी ख्याल होगा एक अच्छी जिंदगी को तश्कील करने में। अब अच्छी जिंदगी सब्जेक्टिव है, हर शख्स की नज़र में एक अच्छी जिंदगी का तसव्वुर फर्क होगा। और ये मैं चाहूँगा कि सुनने वाले जितने भी हैं, वो कामयाबी कह लें या वो अच्छी जिंदगी कह लें, उसका पहले तो तायुन तो करें कि उनके लिए क्या है। मैं कौन होता हूँ बताने वाला कि भाई ये जिंदगी अगर इस तरह से जियोगे तो अच्छी होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हर शख्स एक विजन का मालिक हो, और विजन जो है हमारी तसव्वुर की सलाहियत भी है। और इस हवाले से एक ख्याल मेरे सामने आया था, इसके विजन के हवाले से ये था कि हमारी आंखें बेकार हैं अगर दिमाग अंधा हो। मतलब अगर आप किसी से भी कहें कि यार आंखें 2 सेकंड के लिए बंद करो और अब खोलो और बताओ क्या देखा, तो कहता है कुछ नहीं। तो यानी कि हम दिमाग से अंधे हैं। और अगर आप आंख बंद करते हैं और एक हसीन खाका देखते हैं तो उसका मतलब है कि आपका विजन जो है वो जिंदा है। तो मेरी सबसे ये गुजारिश रहती है कि भाई तुम एक अच्छी जिंदगी तो चाहते हो, उसको शक्ल तो दो। ये कह देना किसी आर्किटेक्ट को कि भाई घर बनाना है, अच्छा सा घर बना दो, अब वो आर्किटेक्ट भी हक्का बक्का होगा कि भाई अच्छा सा घर, वो तो सबके लिए एक अलग है, क्योंकि सबकी तरह से जिंदगी, सबके अकदार, सबके तौर तरीके, सबकी सकाफत फर्क होती है ना। तो अब जब तक आर्किटेक्ट को जानकारी नहीं होगी उसकी, तो किस तरह से वो एक खाका बनाएगा जो कि आपको इत्मीनान दे। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में एक अच्छी जिंदगी का खाका बनाए। और कुछ के लिए मज हो सकती है, बाइसिकल हो सकती है, कुछ के लिए मर्सिडीज से कम बात ही नहीं चलती, कुछ के लिए ताल्लुकात ज्यादा अहमियत रखते हैं बनिस्बत मोहल्लात के। और तो ये मैं चाहूंगा कि हर शख्स कल इस पर गौर कर लें, और फिर साथ ही साथ तवाज़ुन को ना भूलें। लेकिन तवाज़ुन में एक और पहलू ये भी है कि आधा सच झूठ से भी खतरनाक है। और मैंने देखा भी है कि जो लोग मायूस होते हैं वो ज्यादातर इसलिए मायूस होते हैं कि उनको एक ही पहलू नजर आ रहा होता है। क्योंकि अब रात है तो हमें पता है ना कि दिन भी आएगी, लेकिन अगर हम रात हो रही हो और हम कहें कि अब ये ऐसे ही रहेगा, तो ये तो आप एक हकीकत से इनकार कर रहे हैं। और हकीकत ये है कि इसमें दिन भी है, रात भी है, ठंड भी है, गर्मी भी है, तकलीफ भी है और सुख भी है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम लेकर आगे बढ़ते हैं, तो फिर एक सवाल आता है कि यार मेरी किस्मत खराब, ये भी मैंने बड़े लोगों को सुना है, मेरे तो नसीब में नहीं है या मेरी तकदीर जो है ना। तो वो आपने कितनी दफ़ा नहीं सर, मैं बल्कि आपका जाविया भी जानना चाहूँगा, क्योंकि गुफ्तगु है, मैं तो अभी अपना नज़रिया दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपका भी जानना चाहूँगा कि तकदीर और तदबीर पे अक्सर अवकात मैंने डिबेट सुनी है, लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात भी सुने हैं। इस सिलसिले में आपकी क्या सोच है? मैम आपकी जो बात थी ना तवाज़ुन वाली, जब आप गुफ्तगु फरमा रहे थे ना, तो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था। वो सवाल बेसिकली आप ही का सवाल है, तदबीर और तकदीर का। समटाइम लाइफ में ना बैलेंस में चीज़ें नहीं रहती और इख्तियार में नहीं रहती, तवाज़ुन इख्तियार की चीज़ है। जब इंसान बेतवाज़ुन हो जाए तो इख्तियार में नहीं रहती। समटाइम तदबीर के अंदर तकदीर होती है,
ये बड़ा बारीक मुद्दा है। जैसे आपने अपनी सारी तैयारी कर ली, हमारा जितना मोटिवेशनल लिटरेचर है जो हम लोगों को देखते हैं वो ये है कि खुशी को कैसे हासिल करना है, खुशी को मेंटेन कैसे रखना है। कभी गम की घर में विजिट हो जाए मेहमान के तौर पे, तो उसको एंटरटेन कैसे करना है ये कोई नहीं बताता। कभी कभी इंसान अपने चाहने वालों की चाहत के आगे मजबूर हो जाता है जी, अपनी चाहत को साइड पे रखना पड़ता है। सही बात है, सही तो बात। मैं ये समझता हूँ कि जो आपने फरमाया कि तवाज़ुन का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि तवाज़ुन में आपने अख्तियार कितना अपना लिया है और उसके सपुर्द कितना दिया। सही, तो जब सब कुछ उसके सपुर्द हो जाए तो बेतवाज़ुन कैफियत भी तवाज़ुन का हिस्सा नजर आनी शुरू हो जाती है जी। और जब आप उसको सपुर्द करने की बात करते हैं तो आप अल्लाह की ज़ात की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ लोग कहते हैं कि इसको लाइफ के सपुर्द मुख्तलिफ टर्म्स हैं, बट एट एंड ऑफ द डे मैं समझता हूँ कि वो जो जितनी भी टर्म्स हैं वो आती इसी बात में हैं कि जब आपके लिए कितना एक कप, तो जब कुछ समझ में ना आए ना जिंदगी जी तभी समझ में आते। ये बड़ा अनोखा पहलू उठाया आपने, बताएंगे इसकी थोड़ी सी रोशनी डाल। बात यह है कि जब कुछ समझ में ना जब कुछ समझ में ना रहा हो ना, मुराद आपकी जितनी प्लानिंग है वो रह गई है जी, और आपको किनारा नहीं मिलता कि कहाँ से शुरू करूँ कहाँ पे ख़त्म करूँ, वो जो बेयकीनी की कैफियत है ना, और जब अल्लाह ताला हर तरफ से आपके सहारे साइकोलॉजिकल इमोशनल फाइनेंशियल तोड़ता है ना, तो उस बेसहारगी में फिर उसको एक ही सहारा नजर आता है। तो अल्लाह ने जब अपने आप से किसी को कनेक्ट करना हो ना, उसको ऐसी समझ में मुबतला करता है जो उसकी समझ में नहीं आती, फिर उसमें अब उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि अब वो हर एक से डिटैच हो चुका होता है, उसको पूरी तवज्जो अल्लाह ताला देता है। जब वो उससे अटैच हो जाता है ना, तो जितनी अटैचमेंट उसने तोड़ी होती ना वो रिकनेक्ट करता है उससे। फ़र्क सिर्फ होता है पहले वो अटैचमेंट के सहारे ज़िंदगी बसर कर रहा होता है, अब वो अटैचमेंट के सहारे ज़िंदगी नहीं बसर कर रहा होता, वो इसके सहारे ज़िंदगी बसर कर रहा होता है। उसमें जब होता है कि इंसान जब अपने बाज़ का तवाज़ुन की आपने बात की, लाइफ की बात की, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इंसान सब कुछ पा भी ले तो एक अंदर जो खला है उसका, वो खला सिर्फ उसकी ज़ात से या स्पिरिचुअलिटी की तरफ टर्न कर जाए आप, या आप इसको दूसरों की खिदमत खलक का कॉन्सेप्ट जी, शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं जो दूसरों की खिदमत करने से तकमील पाए। आप खुद फोकस करेंगे तो कुछ भी नहीं होता। जैसे अब आपको लोग जानते हैं इंडस्ट्री में जी, तो लोग एक तो जानते हैं आपकी कंट्रीब्यूशन के हवाले से, बट उससे ज़्यादा लोग ये जानते हैं कि मेरे आपके ताल्लुकात कैसे हैं। कामरान रिजवी को मैं फ़ोन करूँ तो वो उठाएंगे, कामरान रिजवी से मैं बात करूँ तो वो उठाएंगे से बोलेंगे, लेकिन मैं अगर मिजाहन कह रहा हूँ जी जी कि आप इंडस्ट्री की गर्लफ्रेंड हैं, अगर ये नहीं पता चलता कि असल में है किसकी, हर आदमी सोचता नहीं ये मेरी है। अगर ऐसा है तो मैं तो बोझ भी महसूस करता हूँ, कुछ भी महसूस होता है। ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, सेंस ऑफ कनेक्टिविटी है, ये तब तक नहीं, ये गॉड गिफ्ट है। इंसान कितना भी खुश कलाम हो, दिनों तक रसाई है ना दूर से नहीं आती, वो तब होती है जब इंसान गम की कैफियत से गुजरा हो और उस गम की कैफियत में से अल्लाह ने उसको कुछ अता किया हो, तो इनविजिबल फोर्स बन के उसके इर्द गिर्द घूमती है। सर इस पे बिल्कुल आपने जो बात कही कि अपने मन में डूब के पाले सुराग़े ज़िंदगी, तो ये ख्याल की हद तक तो ठीक है। इसको अगर हम अमली जामा पहनाएं तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेचिए आ सकती है, और वो जो होता है ना खुद का तज़िया करना, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, मेरे अंदर कौन सी सलाहियतें हैं, मेरे सामने कौन कौन से मौके हैं, कमजोरियाँ भी होती हैं हमारे अंदर, और कोई भी एक मुकम्मल शाहकार नहीं होता। एवरी पर्सन इज एन इम्परफेक्ट स्पेसिमन, और इम्परफेक्शन को जानना वही हुसन भी है। कि मुझे ये पता हो कि मैं हर फन मौला नहीं, कुछ चीज़ों को मैं अच्छा कर लेता हूँ और कुछ चीज़ों में मार खाता हूँ, इसका एहसास मुझे अगर हो जाए तो मैं फिर उन इलाकों से दूसरों का सहारा लूँगा जहाँ पर एक ऐसा काम मुझे मिलता है जिसमें मैं जानता हूँ कि इसके जो पहलू हैं कुछ ऐसे हैं जिसमें मैं
नहीं बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकता, तो फिर मैं नहीं का सोचूंगा, मैं कहूँगा नहीं तो ये तजिया कार है, इसको तो मैं बता सकता हूँ नहीं, अगर आप मेरा साथ दे देंगे तो फिर ये कहानी बनेगी। तो ये जो ताल्लुकात हैं, रिश्ते, जितने हमारी जिंदगी में ताल्लुकात मजबूत होंगे उतनी हमारी जिंदगी का मेयार भी बेहतर होगा। और ताल्लुकात को मजबूत करना जो है वो मैं समझता हूँ कि दूसरा तवाज़ुन के बाद ताल्लुकात पे हम आए। तो मैं अक्सर जब कहता हूँ कि यार अगर आप ताल्लुकात की बात करते हैं तो किन किन से आप ताल्लुकात का सोचते हैं, किन अनासर को सोचते हैं ताल्लुकात के हवाले से, तो लोग अक्सर दूसरों का सोच रहे होते हैं और दूसरे अफराद का सोच रहे होते हैं, वो घरेलू यानी खानदानी ताल्लुकात हो या वो माशरती ताल्लुकात हो या वो निजी प्रोफेशनल किस्म के ताल्लुकात हो। लेकिन फिर मैंने ये देखा है कि फोकस एक्सटर्नल पे बहुत ज़्यादा है, भाई आपका अपने साथ कैसा ताल्लुक है, ये एक बड़ा ज़रूरी है कि भाई क्या मैं खुद को एहतराम की नज़र से देखता हूँ या खुद के साथ बहुत सख्ती करता हूँ, ज्यादती करता हूँ, डांटता रहता हूँ। क्योंकि अगर मैं अपने साथ ताल्लुक सही नहीं बनाऊंगा और खुद पे एतमाद नहीं करूंगा, खुद एतमादी है क्या, कॉन्फिडेंस वो आती ही उस सूरत में है जब आपको अपनी जात पे एतमाद हो, अपने मुकम्मल होने पे नहीं, अपने होने में एतमाद। और कोई आद ना महसूस करे कि अगर आप में कोई खूबी है तो खामी भी है, उसको बयान करने में तकल्लुफ ही ना हो। क्योंकि आपको किसने कहा कि आप एक मुकम्मल मुजस्मा है और आप तो हर चीज कर लेते, ऐसा तो है भी नहीं। तो मेरे ख्याल से अपने साथ ताल्लुक बनाना, फिर माहौल के साथ ताल्लुक बनाना। अब जैसे दरख्त हैं, परिंद हैं, चरिंद हैं, हैवान हैं, माहौलियात, हमारा ताल्लुक इतना खराब है माहौलियात के साथ कि आप देख रहे हैं उसके नतज। आजकल हर सिंथ में आप जाए तो आपको ओजोन डिप्लीशन का सुनने में आएगा, क्लाइमेट चेंज के हवाले से सुनने में आता है, ये जो कार्बन इमिशंस की हम बातें सुन रहे हैं, हम लोग कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, सही मानो बिल्कुल, क्योंकि हमें डर नहीं है। आप जाए ना पिकनिक स्पॉट्स, आप नॉर्दर्न एरियाज घूमते हैं, आप बीच पे जाते हैं, किस तरह कूड़ा कंकट वो हैवान भी सोचता होगा कि ये कौन आए थे इस खूबसूरत जगह को जो हमने बना के सजा के रखी है, इतनी हसीन जगह थी, ये हजरात आए थे लेकिन क्या छोड़ के जा रहे हैं, ये एक बेहिसी का आलम जो है इससे भी निकलना है। तो अगर अच्छी जिंदगी बनानी है तो तवाज़ुन हो गया, ताल्लुकात हो गए, और ताल्लुकात में खुद के साथ, दूसरों के साथ, और माहौल के साथ, और फिर अल्लाह की जात के साथ, या जिस पे भी आपका अकीदा हो। अभी कुछ अम्मे से मुसलमान हैं, कुछ दूसरे अकीदों से हैं, यहूदी होंगे, हिंदू होंगे, ईसाई होंगे, कुछ तो अल्लाह को मानते भी नहीं है लेकिन उनको एक कुदरत के कवानीन से ताल्लुक है। और अगर आप कुदरत के कवानीन को भी मान लें, जैसे आज तक मैंने किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि उसको ग्रेविटी पे ईमान नहीं है, देखी नहीं है ग्रेविटी, किसने देखी है, फिल्म की मैं बात नहीं कर रहा, कुछ लोग कहते हैं मैंने मूवी देखी है, ग्रेविटी तो किसी ने नहीं देखी। लेकिन आप कहें किसी को कि भाई आज तुम यहाँ बैठे हो, फर्स्ट करो ग्रेविटी खत्म हो जाए, क्या होगा, तो कहते हैं हम उड़ने लगेंगे, फिर घर उड़ेगा, फिर पहाड़ियाँ जो है बादल बन जाएंगे और ओहो क्या हो जाएंगे। लेकिन ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जिसने पूरी कायनात को समेट के रखा है, और हम जो बैठे हैं सुकून से वो भी ग्रेविटी के नतीजे में, ग्रेविटी कभी देखी तो नहीं। तो जब हम अनदेखी पे अकीदा रखते हैं, इतना सॉलिड अकीदा, तो वो भी एक फेथ का आंसर बनता है। तो साइंस ने उसको साबित भी किया, और ये भी लेना साथ साथ ठंडा ना मिले, लेकिन आप चाय पी रहे हैं, मैं पी रहा हूँ, और आपको देख के अगर भूख लगी है तो आपके हिस्से का मैं ले रहा हूँ। अच्छा, आपने कॉमन भाई बात की दूसरों से ताल्लुकात की, इसका एक पहलू है जिस पर मैं कभी कभी सोचता हूँ और मैं आपसे शेयर करूँगा, आप मुझे अपना उस पर रहनुमाई फरमाइएगा कि अक्सर लोग जब हम दूसरों से बात कर रहे होते हैं तो हम दूसरों को ये बता रहे होते हैं कि हमने क्या सीखा या हमने क्या पाया। कभी कभी मैं फील करता हूँ वजदानी कैफियत के तौर पर कि हमारी शख्सियत के अक्सर गुमशुदा पहलू अल्लाह पाक ने दूसरे की शख्सियत में रखे होते हैं, और इसकी शख्सियत के कुछ गुमशुदा पहलू अल्लाह ने मेरी शख्सियत में रखे। तो एक तरह से मैं अमानत
रखी हुई है मैंने किसी और की और किसी और ने मेरी अमानत रखी हुई है, तो जब हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को समझने के लिए तो मैं उससे अपनी अमानत ले रहा हूँ उससे गुफ्तगू की रोशनी में, और वो मुझसे अपनी अमानत ले रहा है जो उसकी अमानत मेरे पास थी। मेरी विजडम का लाइफ का एक पहलू है जो अल्लाह पाक ने मुझे उसमें तैयार किया है किसी और को देने के लिए, सही, और किसी और को किसी तजर्बे से गुजारा मुझे देने के लिए। अब जैसे कोविड में देखें, इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी इंटेलेक्चुअल हो, दौलतमंद हो, जब कोविड में घर में अकेले बैठना पड़ा है तो उसको ये समझ आ गया कि दूसरों के बगैर वो कुछ भी नहीं। तो मैं समझता हूँ दूसरों के साथ जब ताल्लुक रखें तो सिर्फ ये देखने के लिए नहीं कि आप क्या दे रहे हैं, ये देखने के लिए कि आपको अपनी गुमशुदा मिरास शायद उसके लफ्ज़ों से मिल रही है। ये इतना गहरा नुक्ता है क्योंकि सही मानों में हम हमेशा जब भी मिलते हैं लोगों से, शुरुआत से मिलते हैं, तो मुझसे सवाल पूछे जाते हैं कि सर फैकल्टी कितनी है इस कोर्स में, तो मैं अगर 25 लोग हैं मैं कहता हूँ कि 26 आप और मैं मिला के फैकल्टी जो है 26 की है, क्योंकि जब आप स्किल्स की बात कर रहे हैं और फंक्शनल स्किल्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा जिसमें इंजीनियरिंग हो गई या फाइनेंस हो गया या मार्केटिंग के कुछ स्टेटिस्टिकल बातें होती हैं और रिसर्च के तकाजे होते हैं, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, ह्यूमन स्किल्स की बात कर रहा। और ह्यूमन स्किल्स जो हैं वो ऐसे होते हैं कि हम एक दूसरे से वाकई सीख सकते हैं, और अल्लाह ने अगर हमें किसी भी नेमत से नवाजा है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, कभी भी नहीं। और मैं बोझ महसूस करता हूँ, यकीनन आप भी करते होंगे, कि ये जो कुछ मुझे मिला हुआ है एक समझ के तौर पे या किसी भी सलाहियत को मैं अगर देखूं तो वो तो अब मुझे आगे बढ़ना है, ये अमानत है, ये मेरी जागीर नहीं है, यू नो, एंड ये सब पे लागू है। तो यानी कि शुरका भी आपको सिखा सकते हैं, और सीखने सिखाने का अमल जो है दो तरफा होता है हमेशा, एंड आई हैव नेवर सीन माय सेल्फ एज द वन हु विल गिव द आंसर्स। तो जब मेरे पास लोग आते हैं इतवार की मॉर्निंग्स को, आप पता है मैं स्काइप पे मिलता हूँ पिछले अब 7 साल तकरीबन होने को आ रहे हैं, तो जिनको मशवरा करना होता है किसी भी मौजू पे, तो मेरा काम ये नहीं होता कि मैं उनको बताऊं कि वो क्या करें, उल्टा मैं ये देख रहा होता हूँ कि वो किस नहज पे खड़े हैं, क्या उनका मसला है, सुनना पड़ता है, और फिर उसके बाद में उनको वो इशारे देता हूँ कि आपने ये वाला टूल इस्तेमाल किया अपने तजिए में, क्या आपने अपने वैल्यूज का इंतखाब किया है, वो नहीं किया कि वो कैसे करते। तो एक कहावत है इंग्लिश में कि टीच पीपल हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक। जिस दिन हम ये कहना शुरू कर देते ना कि तुम ये करोगे तो आगे बढ़ोगे, उधर गड़बड़ हो जाए, तुम वो करो जो तुम्हारे तजिए के नतीजे में सिंप मिली है, और वो तजिया कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो वो वाला जो पहलू है मेरे ख्याल से बहुत कारामद होता है कि यू इनेबल द इंडिविजुअल टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, आपसे वो राय ले सकता है तो आप राय भी दें तो हल्की फुल्की सी दें, लेकिन ये जरूर इसरार करें कि देखो बाकी जो फैसला है वो तुम्हारा होगा, और फैसले में रिस्क होते हैं, और अगर गलती हो भी जाए तो सीख लेना, लेकिन इस चक्कर में मत रहना कि देयर इज अ परफेक्ट डिसीजन। परफेक्ट डिसीजन कोई नहीं होता, ये जरूर होता है कि आप फैसला कुन हो, और फैसला भी जज्बात में आके जल्दबाजी में ना करें। कहते हैं कि खुशी, जब आप खुशी का इजहार होता है जब बहुत खुश होते हैं कभी वादा ना करें, क्योंकि आप ऐसी चीज कमिट कर जाएंगे जो आप निभा नहीं पाएंगे, और जब गुस्से में हो फैसला मत करना क्योंकि आप कोई ऐसा फैसला कर जाएंगे जो बाद में पछताएंगे। और आपकी इन बातों को मैं ये कहूँगा कि जो लफ्ज़ तवक्कुल है, तवक्कुल के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि आप परफेक्ट नहीं है। Absolutely. यकीन जाने अच्छे से अच्छे, अभी वोक्सवागन का किस्सा तो आपने सुने, वोक्सवागन जो है ये इतनी बड़ी कंपनी है और जर्मनी की नामवर कंपनीज में शुमार होती है, और उनके मॉडल्स बहुत ही कामयाब रहे हैं। 2006-7-8 में लोगों ने क्लीन डीजल पैसेट वोक्सवागन पसात और US मार्केट में एंट्री के लिए शुरू की, और मार्केट ये कर रहे थे, और वोक्सवैगन जर्मनी इज नोन फॉर पंक्चुअलिटी, इंटेग्रिटी, इंजीनियरिंग एक्सलेंस,
आप ये देखें कि 8 लाख गाड़ियां इन्होंने अमेरिका में एक्सपोर्ट कर दी और धूम मचा रहे थे, दे वर डोमिनेटिंग द मार्केट। लेकिन एक उसके अंदर नुक्स ये था कि EPA जो है वहां की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उन्होंने ये डिटेक्ट किया कि फोक्सवैगन ने उनके EPA स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंजन में इस तरह का डलवाया था जिससे जब वो टेस्टिंग करते थे तो रीडिंग आती थी जो उनकी कंप्लायंस में आए, और जब वो गाड़ी सड़क पे आती थी तो वो इमिशंस उसके वही होते थे जो स्टैंडर्ड डीजल के होते हैं। और ये इतना बड़ा इशू बना कि आप तसव्वुर कर लें कि आज पूरा इदारा दाव पे है कि ये इतना बड़ा जो इन्होंने, अब आप और करें इसमें इंटेग्रिटी और एथिक्स की बात हो रही है, इंजीनियरिंग की तो बात ही नहीं हो रही, कस्टमर डिलाइट की तो बात नहीं हो रही, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है कि आपने झूठ क्यों कहा। क्योंकि वो EPA ने जब चैलेंज किया कि भाई आपकी गाड़ी जो है वो तो इमिशंस के स्टैंडर्ड्स को बहुत वायलेट कर रही है, लेकिन जब हम टेस्टिंग रैंप पे करते हैं तो वो दिखाती है कि स्कोर सही आ रहा है। बिल्कुल। तो ये क्या वजह है, इन्हें झूठ बोलना शुरू कर दिया कंपनी ने। तो आप ये देखिए सच और झूठ की ताकत, ये इतना बड़ा, अगर ये सिलसिला चलता रहता तो फोक्सवैगन जो है पूरे बीटन टोयोटा इन द ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। लेकिन आप देखें इस बात से धचका कितना बड़ा पड़ा है, पूरी कंपनी डाउन है। और फिर उसके देखा देखी मर्सिडीज को असेस करना पड़ा कि हम क्या क्लेम कर रहे हैं, हमने कौन से जुगाड़ लगाए हुए हैं ताकि हम धोखा दे के मार्केट में घुसाए, इरिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं ये जरूर देखता हूँ कि कोई भी काम करे, अजमत जो है उसका ताल्लुक किरदार से, उसका ताल्लुक कतन आपके चीजों के होने से नहीं है। अगर आप बाकिरदार हैं और आप सादी सी जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं समझता हूँ बड़े अमीर हैं। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि भाई लोगों के गोल्स क्या होते हैं, तो कहते हैं जी हेल्थ वेल्थ एंड रिस्पेक्ट। लेकिन ये वेल्थ कहाँ से आ गया, मुझे ये नहीं समझ में आई बात। फिर मैंने गौर किया तो और पूछा लोगों से, तो पता चला कि लोग असल में हेल्थ रिस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस की तलाश में रहते हैं। तो जिस शख्स को ये तीन चीज़ें मिल जाए, सेहत भी हो, इज्जत भी हो, खुशी भी हो, तो यार उससे ज़्यादा अमीर कौन हो सकता है। वह वो ठेला चलाता हो या किराना का स्टोर हो या वो मैनेजर लगा हो या वो वज़ीर आज़म क्यों ना हो। इत्मीनान कल्ब जिसको अल्लाह ने इज्जत बख्शी है, वतु इज़्ज़ु मन तशा वतु ज़िल्लु मन तशा, सेहत का भी यही है और खुशी का भी यही है। और ये तीनों तोहफे जो है किसी को मिल जाए, बैंक बैलेंस से उसका कर्ज नहीं है, कुछ लोग 100 रुपए से वो खुशी पा लेते हैं जो करोड़ों के साथ भी गम में रहते हैं और खुशी कर लेते हैं। इसलिए वेल्थ मैनेजमेंट में बरकत का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो वैल्यूज और एथिक्स से आता है। और बरकत बड़ी मजे की चीज है, कुछ ना हो भी और आप अपने आप को अमीर महसूस करें, खुश महसूस करें, किसी चीज की कमी महसूस ना हो, शुक्र सबर है, खामोशी है, ये वो चीजें हैं जिसपे कायनात का दारोमदार है मगर वो काउंट नहीं होती जी। और ग्रैटिट्यूड जो है मैं समझता हूँ कि सबसे भारी लफ्ज़ है इस मामले में। और मुझे याद है नासिर अहमद मुबशिर साहब, 1986 का वाक़ है, ऐसे हम ऑडिट पे गए हुए थे लंदन में, तो ब्रांच में बैठे सवेरे पहुँच गए, तो हमारे पास आधा घंटा था, तो उनको बाथरूम जाना था, तो मुबशिर साहब ने मेरे सामने एक कागज़ रखा, कलम दिया और कहा कमला तुम आर यू अ ग्रेटफुल मैन, मैं कहा यस। उन्हें कहा व्हेन आई रिटर्न आई वांट बोथ साइड्स ऑफ दिस पेपर फिल्ड विद ऑल द थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। वो चले, अब मैं लिखने बैठा, अब मैं कहा आई कैन थिंक, आई कैन राइट, आई कैन रीड, और अब आई हैव अ फैमिली। तो मैं अब गिन रहा था कि मेरे पास वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे शुक्र करना है, और मैं 8 या 10 लिख के ना मैं अब सोच रहा हूँ, और मुझे ये पता है कि बहुत कुछ है लेकिन अल्फाज नहीं आ रहे। तो जब आप पहुँचे वापस, मैं कहा बस आधा सफ़र लिखा है, मैं तो चाह रहा था दोनों साइड कम्प्लीट करूँ।
तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि शुक्र जो है दौलत है और सूरह रहमान को आप देखें 28 बार अल्लाह कह रहा है, सवाल पूछ रहा है किन किन नेमतों को झुठलाओगे, हम झुठला रहे हैं। आप किसी से पूछ लें, रात के रात का वक्त हो, खुला आसमान हो और आप आसमान को जब देखें और साथ में सितारे नजर आते हैं ना, तो आप किसी से पूछें इस मंजर को देख रहे हो, कहता है हाँ, क्या मतलब है इस मंजर का तुम्हारे लिए, तो कहते सर बड़ा खूबसूरत मंजर है, तो इसका मतलब क्या है तुम्हारे लिए, क्या वो अपना नहीं रहे। और सूरह रहमान क्या कह रहा है, किन किन नेमतों को झुठलाओगे, क्योंकि ये तो आपने अल्लाह की तारीफ तो कर दी और सब तारीफें हैं भी अल्लाह के लिए, लेकिन ये भी तो देखो कि उसने ये सब जो सजाया है किसके लिए सजाया है, बिल्कुल ऐसे किसके लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, और अगर हम अपनाएंगे नहीं तो हम महरूम हो गए। सिर्फ अपनाने की देर है ना कि या अल्लाह तूने इतना बड़ा निजाम मेरे लिए बर्पा किया और मैं अपने आप को गरीब कहता हूँ, ये अजीब सी सोच है। मौलाना रूमी ने बड़ा अच्छा लिखा है मसनवी, वो कहते हैं अगर आपको सुनने की सलाहियत मिल जाए तो आप हवा से बातें करते हैं, आप दरख्तों से बातें करते हैं, आप दरिया से बातें करते हैं, पहाड़ बोलते हैं, जिस तरह जंगी बोहर का जो पहाड़ है हज़रत सलाम ने फरमाया कि ये हमसे मोहब्बत करता, हम इससे मोहब्बत आपकी चाय होगी, जी मेरी चाय होगी। तो हज़रत सलाम की भी जो है कहते हैं हदीस मुबारक, उसमें नबातात हैं, जमातात हैं, सारे हज़रत सलाम के मुखातिब होते हैं, रिसालत पे ईमान लाते हैं। तो जैसे जैसे अंदर का इंसान जागता चला जाए तो पूरी कायनात का हर हर ज़रा उसके लिए कम्युनिकेशन बन जाता है, वो सिर्फ अपनी ज़ात से नहीं मुंसलिक रहता। जब आप दोनों कम्युनिकेशन सिखाते हैं तो ये भी हमने सुना है कि तकरीबन आप समझे कि 90% से ज्यादा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, आंखों आंखों में बात हो जाती है, उठने बैठने अंदाज बहुत कुछ बता रहा होता है कि कौन इंकिसारी का मुजाहरा कर रहा है, कौन तकब्बुर का मुजाहरा कर रहा है, ये सब जिस्म बता रहा है। इसी तरह पूरी कुदरत हमसे मुखातिब है, वो जबान अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर रही, लेकिन जब पत्ते लहरा रहे होते हैं, जब चिड़िया उड़ रही होती हैं, वो एक पैगाम भी दे रही है। आपने बहुत सुख कहा कि अगर हम अपनी समाज को बेहतर कर लें, ना सिर्फ कान से सुनना लेकिन आंखों से सुनना, तो फिर बिल्कुल जो आप कह रहे हैं इसमें बहुत से पैगाम छुपे हैं। और साइंसदान है कौन, हमने तो साइंसदान कोई पता नहीं अजीब सी मखलूक बना दी है, खलाई मखलूक जिसे कहते हैं। साइंसदान का काम क्या है कि वो चीज़ों को देखे और उनको समझे, तो साइंस इज लिसनिंग टू नेचर, ये नेचर की लैंग्वेज का नाम साइंस। बिल्कुल, फिर आप अब देखिए ना, आप किसी हकीम से पूछे या किसी एग्रोनोमिस्ट से पूछे कि भाई तुम यहाँ आओ और ये मंजर देखो और बताओ कि ये दरख्त क्या है, वो एक एक दरख्त का बताएगा, नाम बताएगा, उसकी प्रॉपर्टीज बयान करेगा, किस किस्म की नशोनुमा इसकी करनी पड़ती है, क्या इसकी लाइफ होती है।